हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुणा इंग्लिश कॉन्सेप्ट। आज का ये वीडियो बहुत ही झकास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नरेशन के बारे में। यानी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नरेशन क्या होता है, और इसके अलावा नरेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, नरेशन के जितने भी रूल्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेशन वर्ड, जिसका हिंदी मतलब होता है कथन। नरेशन जो वर्ड है ये बना है नरेट शब्द से, जिसका मतलब होता है टू से, यानी कहना या बताना। नरेट वर्ड जो है जिसका हिंदी मीनिंग होती है कहना या फिर बताना। तो नरेट वर्ड जो है नरेट वर्ड से ही बना है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन जानने से पहले एक बात आपको बता दें कि ये जो नरेशन इंग्लिश ग्रामर का ये जो चैप्टर्स है, ये हर एक बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वह CBSE हो, क्लास 10th, 11th, 12th या फिर UP बोर्ड हो, ये हर एक एग्जाम्स में, इसके अलावा ये अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन जो होता है ये किसी भी स्पीकर का एक स्टेटमेंट होता है, यानी किसी भी वक्ता के द्वारा जो भी कुछ कही गई बात होती है वही नरेशन होता है। यानी हमने समझा कि किसी भी स्पीकर्स के द्वारा किसी को जो भी बात कही जाती है, उसके द्वारा जो भी बात बोली जाती है, वो कही गई बात, हमारा ये नरेशन होता है। अब नरेशन के अलावा नरेशन को, यानी किसी के स्टेटमेंट को कहने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। हमने तो ये समझ लिया कि स्पीकर के द्वारा जो भी कुछ स्टेटमेंट्स या जो भी कुछ कहा या नरेट किया गया या बताया गया, तो उसे हम नरेशन कहते हैं। लेकिन किसी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हम दो तरीके से उसे बता सकते हैं, जिसे नरेशन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी किसी भी स्टेटमेंट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक डायरेक्टली और दूसरा होता है इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली मतलब हम, और इनडायरेक्टली इसको हम समझेंगे कि किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को डायरेक्टली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और इनडायरेक्टली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो जब भी किसी स्पीकर के कहे गई बात को जब हम हूबहू, यानी ज्यों कहते हो, जैसने उससे मुझसे बोला ठीक उसी तरह अगर हम उसे एक्सप्रेस करें, तो ये हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन। और जब कभी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अगर उसे हम अपने शब्दों में बोलें, तो होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। एक बार फिर से बात करेंगे नरेशन के दोनों भाग को, कि जो नरेशन होता है, नरेशन में जो डायरेक्ट नरेशन होता है, यानी किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को जब हम उस स्पीकर के हूबहू तरीके से अगर हम उसे एक्सप्रेस करें, यानी जैसे स्टेटमेंट को स्पीकर्स ने दिया था ज्यों कहते हैं हूबहू अगर वैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन। और ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है जब कभी किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को जब हम खुद अपने शब्दों में उसे बता के बताएं, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। अभी हमने तो समझा कि हूबहू जब कभी भी किसी स्टेटमेंट को बताया या बोला जाता है तो डायरेक्ट नरेशन होता है, जब अपने शब्दों में बताया कहा जाता है तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं तो रास्ते से जा रहा था, अब उसके बाद मुझसे एक रास्ते में लड़की मिलती है, और वह लड़की जैसे ही मुझसे मिलती है वह बोलती है कि तुम शायर हो। उस लड़की ने जैसे मुझसे मिला रास्ते में, उसने बोला कि यू आर अ शायर। तो जब मैं रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में जो लड़की मिली, उस लड़की ने मुझसे बोला कि तुम शायर हो। तो ये लड़की जो है, ये लड़की स्पीकर हो गई, क्योंकि इसी ने ये बात बोली थी कि तुम शायर हो, और मैं एक ऑडियंस हूँ क्योंकि मैंने उसके बात को सुना था। अब ये बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। डायरेक्टली हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि वह लड़की मुझसे मिली और उसने मुझसे बोला, यानी सी सेड टू मी यू आर अ शायर। वह लड़की मुझसे मिली और बोली कि तुम शायर।
अब ये बात हम ठीक उसी तरह बोले जैसे मुझसे लड़की मिलने के बाद बोली थी, और लड़की जैसे ही मुझसे मिली उसने बोला मुझसे, यानी सी सेड टू मी यू आर अ शायर। ये यू आर अ शायर जो वर्ड है ये ठीक डायरेक्टली बताया जा रहा है, जैसे कि लड़की ने मुझसे मिलने के बाद ये बात बोली थी। तो ये जो आम बात है ये ठीक हूबहू ज्यों कहते हो वैसे ही बोले हैं, जैसे लड़की ने मुझसे मिलने के बाद बोली थी कि तुम एक शायर हो। लेकिन हम इसे इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे, इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं कि सी टोल्ड मी दैट, दैट आई वाज अ शायर। तो ये बात हमारा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, क्योंकि इसे मैंने अपने शब्दों में बोला। तो पहला हम जो सेंटेंस देखें जिसमें लिखा था कि सी सेड टू मी, यानी वो लड़की मुझसे मिली उसने मुझसे बोला कि तुम एक शायर हो, और इसे हम जब अपने शब्दों में बताएंगे तो हम कह सकते हैं कि उसने मुझसे बताया कि मैं क्या था, शायर था। तो ये दोनों बात जो है कहने का मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन बस तरीका अलग अलग है। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन में किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को हूबहू जैसे उसने उसे बोला था ठीक उसी तरह उसे बोला एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को जब अपने शब्दों में कहा जाता है तो ये इनडायरेक्टली होता है। तो ये देखो जो सेंटेंस लिखा है कि सी टोल्ड मी दैट आई वाज अ शायर, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है। जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन में, ये सेंटेंस भले ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ है लेकिन दोनों के कहने का मतलब सेम है। तो डायरेक्ट नरेशन में हमने समझ लिया कि जो भी स्पीकर का स्टेटमेंट होता है उसे हूबहू ज्यों कहते हैं एक्सप्रेस किया जाता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में हमने समझा कि जब भी किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में बोला या कहा जाता है तो वहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब आगे बात करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बहुत ही वो हेल्पफुल होते हैं, बिना जाने उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने के लिए डायरेक्ट नरेशन के जितने भी पार्ट्स होते हैं इन सारे पार्ट्स को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन में, पहला जो पार्ट्स होता है वह होता है स्पीकर, यानी जो भी स्टेटमेंट को कहने वाला होता है वो होता है स्पीकर। जैसे कि सेंटेंस में सी सेड टू मी, ये जो सी वर्ड है ये हमारा स्पीकर है, क्योंकि यही तो बात बोल रहा है ना कि यू आर अ शायर, तुम क्या हो, शायर हो। और उसके बाद इसके द्वारा जो भी वर्ब यूज की जाती है, यानी स्पीकर के द्वारा जो भी वर्ब यूज की जाती है वो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि इस सी यानी इस स्पीकर के द्वारा यूज की गई वर्ब है सैड, तो ये सैड हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो यानी स्पीकर के द्वारा जो भी कुछ वर्ब यूज़ की जाती है वही वर्ब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो साइड है, ये साइड का ये जो सब्जेक्ट है ये सी है, जो स्टेटमेंट का स्पीकर भी है। और इसके अलावा जिससे वह अपनी बात यानी जो भी स्टेटमेंट है जिससे वह कह रहा है या कहता है वह होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो जिसमें ये सेंटेंस लिखा है सी सेड टू मी, इसमें जो मी वर्ड है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है, यानी स्पीकर के द्वारा कही गई जो भी बात होती है उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। यानी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी सेंटेंस बंद रहता है ये हमारा पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। और डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो भी वर्ड जिससे वही सेंटेंस शुरू होता है उसका जो लेटर्स होना चाहिए पहला लेटर उसे कैपिटल होना चाहिए। तो हमने समझा कि डायरेक्ट नरेशन में जो भी कुछ हम महत्वपूर्ण पार्ट थे जिसमें से स्पीकर था, रिपोर्टिंग वर्ब थी, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही स्पीकर्स होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, हमने समझा कि स्पीकर जिससे अपनी बात कहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो भी सेंटेंस बंद होते हैं वो हमारे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट नरेशन के हमने सभी महत्वपूर्ण पार्ट को जान लिए, अब आगे बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स क्या होते हैं।
तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के दो रूल्स होते हैं, इसमें से हमारा पहला रूल होता है जनरल रूल और दूसरा होता है स्पेशल रूल। जो जनरल रूल होता है वह असमानता लगभग सभी सेंटेंस में लागू होते हैं, लेकिन स्पेशल रूल खास तौर पे सेंटेंसों के लिए लागू किए जाते हैं। ये जनरल रूल्स जो होता है वो सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए लागू होते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दो रूल्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेशल रूल। तो जनरल रूल हमने सुना कि सभी सेंटेंसेस के लिए लागू किए जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल रूल्स होता है वह खास तौर के सेंटेंसों के लिए लागू किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जनरल रूल्स होते हैं क्या, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो जनरल रूल्स होते हैं, इन सारे रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि इसे मोटिवेट हो सके और एक अच्छे ढंग से एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ हम वीडियो को बनाएँ।